ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 27/7/1971 27th of July 1971। इस मुरली का शीर्षक है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया। भट्टी की बाबा उस टाइम पे भट्टी चल रही है 71 में, तो बाबा उसमें पूछते हैं बच्चों से आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उनको जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है ये स्मृति आती है? बाबा पूछते हैं कल्प पहले हम आत्माओं के द्वारा क्या हुआ स्मृति आती है? जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे ये स्मृति नहीं आती। माया सामना तो करेगी लेकिन किस किस रूप में करेगी ये भी जानते हो कि नहीं? बाबा कहते हैं माया सामना तो करेगी लेकिन किस किस रूप में कर सकती ये जानते हो कि नहीं, पूछते हैं बच्चों से। मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना, मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो कोई भी घटना जैसे कि तूफान, बारिश का आना, धरती हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं। साइंस वाले क्या करते हैं अपने उनके पास ऐसे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे कब बारिश होने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब धरती हिलने वाली, पहले से ही जान जाते हैं। तो क्या आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समृद्धि में आते जाएंगे अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। जितना जितना अपनी आत्मा रूपी बुद्धि को बाबा कहते हैं जितना जितना इसे क्लियर रखेंगे उतना अगर आपके जीवन में कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो पहले ही आभास होने लगेगा, पहले ही महसूस होने लगेगा कि कोई पेपर होने वाला है। जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब सबसे पहले मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करके कारण विजयी बन जाते हैं। पहले ही तैयारी करने के कारण विजयी बन जाते हैं क्योंकि पता होता है कि दुश्मन कभी अटैक कर सकता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है ये बात, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है या स्थिति है, एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते बाबा कहते हैं जैसे कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो, दूसरा नॉलेजफुल के नाते, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल है इस नाते बातों को कैच कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तीनों ही प्रकार की अगर टेंशन या स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते? जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व CID की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। CID का अर्थ क्या होता है? चेकिंग ही CID है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसीलिए आप प्रयत्न करो पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधान जरूर कर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से भी बचा जा सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं हो तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीज़ें दुख व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हो। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में बढ़ती जाएगी
तो पहले से ही मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां ज़रूर होती हैं। लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे वह नॉलेज कुछ भी नहीं, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? नहीं जान सकते। इसका कारण ये है, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं है। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है। और पावरफुल ना होने के कारण विजय की प्राप्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बार जो भट्टी में आए हैं वह मधुवन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? मधुवन क्या है? बाबा ने क्या मधुवन को आज बताया? वरदान भूमि। वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने की वरदान लेकर जाना है, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति ये है कि बार बार हार ना हो। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसीलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खाना है। ये है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे या कुछ और समझेंगे? प्रवृत्ति वाले हैं, ये नाम बदल गया ना, अभी अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसा ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो ऐसा कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है ऐसा समझें। दिवाली पर पुराने चौपड़े ख़त्म कर नए खाते बनाते हैं, तो आप लोगों ने भी सच्ची दिवाली बनाई? दीपक भी अविनाशी जगाया? पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का, पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी ख़त्म किया? जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं, तो ये चौपड़ा पूरा जला दिया व कुछ किनारे रख दिए हैं? अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उसमें जाएगी। जला कर ख़त्म किया या कभी कभी देखने की दिल होती है? पुराने संस्कारों को बाबा ने कहा ख़त्म कर दिया या अभी अभी कभी कभी देखने की दिल होती है? कोई चीज़ ऐसी है जिसमें डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसीलिए वह कागज़ जलाकर भस्म कर देते हैं, तो किसको निशानी भी ना मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा रजिस्टर बिल्कुल जलाकर ख़त्म करके जाना, बिल्कुल जलाकर भस्म कर देना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं, तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। पुराने रजिस्टर का अगर छोटा सा भी टुकड़ा अपने पास रखा है तो बाबा कहते हैं उससे भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस रीति से पकड़ लेगी, इसीलिए जला कर ही जाना। सुनाया था ना, कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ ना कुछ आई वेल के लिए किनारे रखना,
चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते हैं। अब यह संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत रौप के संस्कार अपने में ना रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। थोड़ा बहुत रौप के संस्कार भी अपने पास रखने हैं। बस थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर पाएंगे। अहंकार रूप नहीं होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आई वेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उसको छिपा कर रखते हैं। ये संस्कार ही धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनालिटी नहीं, इस पुराने संस्कार का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के इतना पीछे लग जाएंगे जो ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। अगर आपकी लोभ की प्रवृत्ति है तो बाबा कहते हैं देखते हो कहीं पर ज़्यादा कमाई होगी तो उस कमाई के पीछे इतना लग जाएंगे कि ईश्वरीय कमाई को भूल जाएंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या लोभ का अंश नहीं है। इस रीति जो आई वेल के लिए पुराने संस्कार की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज़ करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी ख़त्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रह तो नहीं गए हैं। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए ये भी रॉयल रूप मोह का अंश है। ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है। वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं। बेहद की प्रवृत्ति की तरफ कम अटेंशन देते हैं, चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ बच्चे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते हैं। इसीलिए प्रवृत्ति वाले भल मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश का अंश भी खत्म करना है। लोभवश मोहवश कुछ गलतियां कर देना, ये भी अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं इसको पर भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है मरजीवा व सर्वस्व त्यागी व सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। ये है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भर के जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा। कभी फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे। निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना, ये है पास विद ऑनर की निशानी। महीन, बाबा कहते हैं छोटे छोटे पेपर में पास होने की बड़ी बात नहीं है छोटे छोटे पेपर्स में, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना ये पास विद ऑनर की निशानी है। तो आप समझा क्या करना है। अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी तरह जला कर जाना, इतना फोर्स भरना। पुरानी चौपड़ी माना पुराने संस्कार पूरी तरह जला कर जाना। इतना फोर्स भरे ये भी बहुत बात है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। जैसे कपड़े धुलने के बाद प्रेस नहीं होते तो कपड़ों में चमक नहीं आती, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जो दूर से ईश्वरीय चमक, ऐसे ही अगर आप कोर्स के बाद फोर्स नहीं भरते तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे।
सभी से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ कौन सी होती है जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है? चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक तो लाइट आकर्षित करती है, दूसरी माइट आकर्षित करती है, फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने ईश्वरीय लाइट व अपने ट्रांसफ़र होने की माइट हो तो आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ट्रांसफ़र करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। माइट अपने धारण करने से तो ट्रांसफ़र करने की लाइट से और माइट से अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षण कर सकेंगे। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें आज बाबा पूरी बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म करना है। बाबा कहते हैं जैसे अगर आपका एक भी पुराना संस्कार रह गया तो क्या होता है, गवर्नमेंट वाले भी क्या होता है कि अगर एक भी कोई पेपर पुराना रह गया किसी के पास तो उसको पकड़ लेते हैं। तो माया भी अगर आपका एक छोटा सा भी संस्कार, सूक्ष्म से सूक्ष्म एक संस्कार भी पीछे रह जाता है तो माया भी धीरे से आपको पकड़ लेती है। तो बाबा ने कहा सारे संस्कार पुराने जला कर जाने हैं, सारा चौपड़ा जला कर जाना है, जो भी पुरानी चीज़ें उसको जला कर जाना है। मोह क्या, लोभ की किसी चीज़ की भी रग अगर थोड़ी सी भी रह गई तो ये विघ्न बन सकती है। तो अपना सारा पुराने संस्कारों को मधुवन वरदान भूमि में जला कर जाना है। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली 27/7/1971 की। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद करो, नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बाबा के